क्या जो लगातार जो है पाकिस्तान का एक ही राग रहता है कि इंडिया को आना चाहिए, सेफ है खेलना, आपको क्या लगता है? मैं तो ये कहना है कि इंडियन टीम शुड नॉट गो टू पाकिस्तान, और फिर पाकिस्तान सोच ले और उसके बाद आईसीसी अपना फैसला सुनाएगी। और मोस्ट लाइकली होना यही है कि हाइब्रिड मॉडल ही होगा। देखो तो सही, रियलिटी को देखो ना, सिचुएशन देखो कैसी है, माहौल कैसा है पाकिस्तान में, जो अपना हिंदुइज्म है हिंदुओं के साथ, और फिर अपना जिस तरह से चीजें चल रही है। पाकिस्तान तो पहले भी कहता रहा था, अभी भी कह रहा है, कहता रहेगा, लेकिन इंडियन टीम नहीं जाए, क्यों जाए? खेल लो उनके बगैर, खेल लो ना, इतना ही है, इंडिया टीम के बगैर खेल लो, जरूरत नहीं है इंडियन टीम को खेलने की। ठीक है, चैंपियंस ट्रॉफी है तो ठीक है, कोई बात नहीं, प्लेयर की सेफ्टी इज द फर्स्ट प्रायोरिटी, प्लेयर्स की सेफ्टी इज द फर्स्ट प्रायोरिटी, और रिस्पेक्ट इज द सेकंड प्रायोरिटी, सब बहुत सारी चीजें होती है। तो आई थिंक बीसीसीआई जो काम कर रहा है वो जबरदस्त कर रहा है, जो उनका डिसीजन होगा। जहां पर एक तरफ पूरी पाकिस्तानी कौम यक जुबान होकर यकजान होकर चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में पाकिस्तान की वकालत करती दिखाई दे रही है, पाकिस्तान में एक पॉइंट एजेंडा है कि चैंपियंस ट्रॉफी होगी तो पाकिस्तान में होगी, नहीं तो पाकिस्तान नहीं खेलेगा, पाकिस्तान पुल आउट कर लेगा। वहीं चंद नमक हराम ऐसे जरूर हैं जो इस वक्त भी एडवोकेसी कर रहे हैं, किसकी, भारत की, और ये कह रहे हैं बबांगे दोहल भारत के मीडिया पर जाकर कि पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी सिरे से होनी ही नहीं चाहिए, अगर होती है तो भारत को वहां पर नहीं जाना चाहिए। ये हैं दानिश कनेरिया, जिनके आपने वीडियो के शुरू में चंद बातें तो जरूर सुनी होंगी। इसका कोई भी आप बयान देख लें, हमेशा आपको एंटी पाकिस्तान दिखाई देगा, हमेशा ये कहता दिखाई देगा कि मुझे हिंदू होने की वजह से पाकिस्तानी टीम से निकाला गया। जबकि हमारी अगर आप वीडियो रेगुलर देखते हैं तो हमने इस पर डिटेल 2 से 3 वीडियोज बनाई थी, जिसमें खुद इसने एडमिट किया था कि मैंने खुद फिक्सिंग की है। और पाकिस्तान ने तो इस पर बैन लगाया ही नहीं, बैन तो इंग्लैंड ने लगाया था, इंग्लैंड क्रिकेट एंड वेल्स ने इस पर ताहयात पाबंदी क्रिकेट खेलने पर लगाई थी, और ये बाकायदा एडमिट करके आया था कि हाँ मैंने ही फिक्सिंग की है और लोगों को फिक्सिंग करने के लिए उकसाया है। लेकिन फिर इसे गुस्सा है पाकिस्तान के ऊपर। खैर, चंद और मजीद वजूहत ऐसी जरूर हैं जिसकी वजह से ये पाकिस्तान पर गुस्सा उतारता दिखाई दे रहा है, जिसमें सरे फहरिस्त है भारत की नेशनैलिटी हासिल करना। लेकिन अभी तो सिरे से भारत में ऐसा कोई कानून है ही नहीं कि दानिश कनेरिया को भारत की नेशनैलिटी दी जा सके और फिर ये भारत में जाकर कोई छोटी मोटी एकेडमी की कोचिंग वगैरह कर सके। इसलिए मुल्क से बाहर कभी इंग्लैंड और कभी अमेरिका में बैठ कर ये पाकिस्तान के खिलाफ बयानबाजियां करता दिखाई दे रहा है। लेकिन रिसेंटली जो इसका बयान आया है सोशल मीडिया पर बड़ा सर्कुलेट हो रहा है, आपको इस वीडियो में एक क्लिप दिखाएंगे जो इसने पहले पाकिस्तान के बारे में बात की थी, जब भारतीय एंकर ने इसे पूछा था कि क्या पाकिस्तान जाकर भारत को खेलना चाहिए, तो इसने फौरन कहा था कि क्यों खेलना चाहिए, पाकिस्तान के तो हालात ही ठीक नहीं है, किसी भी सूरत में दूसरी टीमें जो जाती हैं तो जाएं, लेकिन भारत को पाकिस्तान जाकर खेलना नहीं चाहिए। इसके अलावा भी इसके बेशुमार बयानात हैं, जब इससे भारतीय एंकर पूछते हैं कि तुम्हें जो रूट पसंद है या विराट कोहली, तो ये विराट कोहली कहता है या रोहित शर्मा कहता है, और जब ये पूछा जाता है कि क्यों, तो फिर इसके पास कोई जवाब नहीं होता, ना तो इसे कोई क्रिकेट का पता है, सिर्फ बॉलर एक अपने टाइम पर रहा है। लेकिन अभी जो करंट क्रिकेट है इसके बारे में इसकी जो क्या नो हाउ है वो तो आप सोशल मीडिया पर इसकी मीम्स में देख ही लेते हैं। लेकिन बच्चों, इतना तो जरूर मालूम है कि तुम्हें भारत की नेशनलिटी नहीं मिलती, जितने मर्जी उठा लो तुम्हारा काम होने वाला नहीं है। दिखाते हैं आपको कि दानिश के लिए कैसे भारत के मीडिया पर बैठ कर चैंपियंस ट्रॉफी को मुतनाजा बनाने की कोशिश कर रहा है। और जिस तरह से सिक्योरिटी और सेफ्टी जो है एक मेजर इशू रहता है, तो इस पूरी चीजों को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए, क्या जो लगातार जो है पाकिस्तान का एक ही राग रहता है कि इंडिया को आना चाहिए, सेफ है खेलना, लेकिन जिस तरह से लगातार वहां पर अटैक्स हो रहे हैं उसके बावजूद आपको क्या लगता है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए इंडिया का किस तरह से आप उस चीज को देखते हैं कि क्या पाकिस्तान जिस तरह से लगातार कह रहा है कि आना चाहिए, आप देखते हैं इस चीज को सेफ है? पाकिस्तान तो पहले भी कहता रहा था, अभी भी कह रहा है, कहता रहेगा, लेकिन इंडियन टीम नहीं जाए, क्यों जाए? खेल लो उनके बगैर, खेल लो ना, इतना ही है, इंडिया टीम के बगैर खेल लो, जरूरत नहीं है इंडियन टीम को खेलने की। ठीक है, चैंपियंस ट्रॉफी है तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन आपने इतना ही वो करना है। लेकिन आप देखो तो सही, रियलिटी को देखो ना, सिचुएशन देखो कैसी है, माहौल कैसा है पाकिस्तान में, जो अपना वो जो है अपना हिंदुइज्म है हिंदुओं के साथ, और फिर अपना जिस तरह से चीजें चल रही है, आप क्या समझते हो? मैं तो ये कहना है कि इंडियन टीम शुड नॉट गो टू पाकिस्तान, और फिर पाकिस्तान सोच ले और उसके बाद आईसीसी अपना फैसला सुनाएगी। और मोस्ट लाइकली होना यही है कि हाइब्रिड मॉडल ही होगा, दुबई में खेलेगी, दुबई में ही होगा चैंपियंस ट्रॉफी, बिकॉज पीपल नोस, क्योंकि ये थोड़ा 3-4 महीने एक चलता है, बवाल चलता है, थोड़ा मीडिया को भी हाइप मिलती है, थोड़े सबके वीडियोज भी लाइक्स आते हैं, सबका वो चलता है, गर्मा गर्मी रहती है, क्योंकि मंजन अच्छा है, बड़ा वाला मंजन है तो बिकेगा तो सही।
तो ये तो एक रियलिटी है, मतलब कि डेफिनेटली इट विल बी हाइब्रिड मॉडल, और बीसीसीआई जो कर रहा है वो अपना जो उनको एडवाइजेस होगी जिस तरह से करना होगा डिसीजन, प्लेयर की सेफ्टी इज द फर्स्ट प्रायोरिटी, प्लेयर्स की सेफ्टी इज द फर्स्ट प्रायोरिटी और रिस्पेक्ट इज द सेकंड प्रायोरिटी, सब बहुत सारी चीजें होती है। तो आई थिंक बीसीसीआई जो काम कर रहा है वो जबरदस्त कर रहा है, जो उनका डिसीजन होगा वो मेरे ख्याल से बाकी कंट्रीज को भी एक्सेप्ट करेगी और उनका डिसीजन मानेगी। आई थिंक इट विल बी हाइब्रिड मॉडल। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान इक्विप्ड है इतने लार्ज लेवल पर जो है टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज करने के लिए, जिस तरह से चैंपियंस ट्रॉफी की उनको जो राइट्स मिली है, क्या वहां पर पॉसिबिलिटी हो सकती है पाकिस्तान में, जहां पर सिक्योरिटी इतना बड़ा कंसर्न है, इक्विप्ड है पाकिस्तान? क्योंकि यहाँ पर हम ये भी देख रहे हैं, सिर्फ सेफ्टी और सिक्योरिटी की बात नहीं है, वहां पर तो आप लोगों के जो स्टेडियम्स हैं, वहां की फैसिलिटीज के बारे में खुद पीसीबी के चेयरमैन ने कहा है कि वर्ल्ड क्लास लेवल, इंटरनेशनल लेवल की फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है। तो दोनों चीजों को मद्देनजर रखते हुए क्या पाकिस्तान एज अ कंट्री इक्विप्ड है बड़े टूर्नामेंट्स होस्ट करने के लिए? देखिए इक्विप तो है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जैसा आपने बात की कि बनाए ना पहले इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करे, फैसिलिटीज बेहतरीन करे, फिर उसके बाद मेन चीज है कि आप अपना जिस तरह से बार बार वही बात करते हैं, सिक्योरिटी का तो बहुत बड़ा कंसर्न है ना, एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो मेरे ख्याल से इन सब चीजों को, मुद्दे को देखते हुए इनको भी सोचना चाहिए कि नहीं यार, दे हैव अ वैलिड रीजन, हमारा भी रीजन है। और पाकिस्तान क्यों इतना वो हो रहा है, क्योंकि टीवी राइट्स आएंगे, स्पॉन्सर ज्यादा आएगा, पैसा बहुत ज्यादा आएगा, ग्राउंड में पब्लिक बहुत आएगी, सब चीज है पैसा, मुद्दा ही वही है कि पैसा आएगा। तो इसके लिए इतना वो होता है उतावला कि इंडियन टीम आएगी, स्पॉन्सरशिप आएंगे, मीडिया बढ़ेगा, चैनल है धूम धमाका होगा, ये होगा वो होगा, बहुत सारी चीज होगी, पैसा अच्छा आएगा, ये हो, लेकिन वो ठीक है, लेकिन यू सी द अदर ग्रे एरिया विच यू आर फेसिंग राइट नाउ। इफ यू थिंक एज अ पॉजिटिवली टेकिंग आउट योर माइंड के यार नहीं यार सिचुएशन सही नहीं है, सिक्योरिटी कंसर्न्स है, ठीक है बाकी टीम आ रही, लेकिन ये इंडियन टीम, दिस इज एन इंडियन टीम। अब पाकिस्तान कहती है कि हम अपना इंडिया गए थे, तो भाई इंडिया की सिचुएशन इज फार मोर बेटर, बैलेंस है, सब चीज सही है, दुनिया ट्रेवल करती है, टूरिस्ट आता है दुनिया भर से, तो सब कुछ बेहतरीन है और अच्छा चल रही है, गवर्नमेंट दे आर डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब, सो दैट्स द थिंग, दैट्स द रियलिटी। आपने बहुत अच्छी चीज बोली यहाँ पर, क्योंकि जैसे कि मैं आज जो एक इंटरव्यू देख रही थी, पढ़ रही थी कामरान अकमल का, और वो कह रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम, न्यूजीलैंड जैसी टीम पाकिस्तान आके खेल के जा सकती है, तो इंडिया क्यों नहीं आके जा सकती है? विराट रोहित को रिटायरमेंट से पहले आना चाहिए, उस चीज पर आप क्या कहना चाहेंगे? तो क्या बोलूं इन लोगों को, इन लोगों को बस क्योंकि कभी ये जुड़े हुए रहते हैं पीसीबी के साथ, पीसीबी के साथ रहना है, पीसीबी के साथ काम करना है, बाकी घर भी तो चलाना, मतलब चलाना है ना, अभी तो क्रिकेट तो खत्म हो रही है, ऐसे ऐसे कोचिंग लाइन में घुसना है, खुश रखना है सबको, रखना है, तो ऐसे स्टेटमेंट तो देंगे ना भाई, उसको क्या लेना देना है कि ऑस्ट्रेलिया आ रही है, न्यूजीलैंड आ रही है, लेकिन देख तो सही भाई कौन आ रहा है ऑस्ट्रेलिया की टीम में, कौन से प्लेयर आ रहे हैं, पूरी उनका यूथ आ रहा है, न्यूजीलैंड यूथ भेज रहा है। वीडियो आपने मुलायजा की, कमेंट सेक्शन में इस बारे में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा और हमारे इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।